स्टेट पोर्टल एक कदम कई आयाम प्रशासन के 11 विभागों की 54 सेवाओं से जुड़े सभी सरकारी फॉर्म अब नागरिक इस पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में भर सकेंगे, जिससे कागज व समय की बचत तथा वितरण प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ साथ स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे यानी SSDG के साथ आसानी से समन्वित किया जा सकेगा। SSDG के माध्यम से नागरिक अपने आवेदन सीधे ही संबंधित विभागों तक पहुंचा सकेंगे तथा ई ट्रैकिंग का लाभ उठा सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रैकिंग एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड विभिन्न प्रशासकीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाने तथा और बेहतर ढंग से दिए जाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा यह पोर्टल तैयार किया गया है। इससे प्रशासक हर सेवा की बेहद बुनियादी स्तर तक के निष्कासन गतिविधियों तथा आय की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे। यह पोर्टल प्रशासकीय सेवाओं में संपूर्ण पारदर्शिता तथा कारगर रूप से दिए जाने के द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल के प्रयासों की दिशा में एक और कदम है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा लॉन्च किया जा रहा यह पोर्टल इस पोर्टल के जरिए नागरिक प्रशासन द्वारा मुहैया कराए जाने वाली विभिन्न सेवाओं से संबंधित किसी भी तरह के अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें प्रामाणिकता के लिए वन टाइम पासवर्ड, शिकायतों की स्थिति के लिए SMS ट्रैकिंग सिस्टम तथा विभागों द्वारा समयबद्ध निपटारे के लिए ऑटो अलर्ट व रिमाइंडर सिस्टम की सुविधा उपलब्ध है। प्रशासन के विभागों को पेपरलेस बनाने की पर्यावरण हितैषी सपने को सच करता हुआ यह पहल ई कार्यालय, इसके तहत शुरुआती तौर पर विभागीय दैनादिन कार्यकलापों की जानकारी अब कागज के बजाय SMS के जरिए भेजा जाएगा, जिससे न केवल कागज बल्कि ईंधन प्रयोग में कमी और अन्य उत्पादक मानवीय परिश्रम से भी बचा जा सकेगा। द्वीप समूह में सबसे अधिक सर्कुलेट होने वाला सूचना और प्रचार विभाग का दैनिक समाचार पत्र द डेली टेलीग्राम्स का यह रूपांतरित पोर्टल अपने पाठकों को ई फॉर्मेट में खबरों से रूबरू होने का नया अनुभव प्रदान करेगा। साथ ही एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले सब्सक्राइबर्स अधिक तेजी व आसानी से समाचार अब DT ऐप से प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से संबंधित एक समन्वित पोर्टल, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन पैथोलॉजिकल रिपोर्ट तथा रक्त बैंक प्रबंधन सेवा मुहैया कराना है। साथ ही यह पोर्टल आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी नवीनतम जानकारियां भी उपलब्ध कराएगा। प्रशासन द्वारा उठाया गया एक और महत्वाकांक्षी पहल इस स्कीम के तहत द्वीपों के जरूरतमंद नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। स्कीम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए निदेशालय के अनिशी सेल से ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए रोगी अपना आवेदन पंजीकृत करा सकता है तथा पूरे प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की जानकारी आवेदक को SMS द्वारा भेजा जाएगा। ई गवर्नेंस से एम गवर्नेंस की ओर, विद्युत विभाग द्वारा दो नए मोबाइल ऐप, पहला बिल स्टेटस ऐप जिसमें उपभोक्ता अपने विद्युत कनेक्शन नंबर दर्ज कर अपने बिल का स्टेटस प्राप्त कर सकता है, तथा दूसरा मीटर रीडिंग ऐप जो मीटर रीडर को निर्धारित क्षेत्रों से मीटर रीडिंग डाटा इकट्ठा करने में मदद प्रदान करेगी। साथ ही विभाग द्वारा एक नई वेबसाइट तथा ई बिल सेवा भी शुरू की जा रही है।